हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। लंबे इंतजार के बाद Realme Buds Wireless 3 जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड कल हमने इसका फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो दिया था YouTube के ऊपर। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्निक बैंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट हाँ साथ में Realme Buds Wireless 2 मेरा फेवरेट नेक बैंड हुआ करता था जब से ये लॉन्च हुआ था, मतलब लास्ट 2 साल से। तो इसके साथ भी एक साइड बाई साइड कंपेरिजन करके देखेंगे कि क्या Realme Buds Wireless 3 बेटर है इस Realme Buds Wireless 2 से, या फिर ये एक डाउनग्रेड है। बिकॉज अगर आप देखेंगे इसका जो लॉन्च प्राइस रखा गया वो है सिर्फ 1699 रुपीज, जबकि इसका लॉन्च प्राइस था 1999 रुपीज। तो क्या आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर कहां कहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें हैं जो कि हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आउटडोर में जाके मैंने इसका कॉलिंग टेस्ट किया है, साथ में गेमिंग टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं Realme Buds Wireless 3 अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको व्हाइट कलर के साथ परचेस किया था एंड इस व्हाइट कलर में 2 कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। पीछे का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का मिल जाता है, बट जो साइड का मॉड्यूल है या फिर जो ईयर प्लग है वो आपको व्हाइट कलर के साथ मिलता है। जबकि Realme Buds Wireless 2 का ये जो मेरे पास यूनिट है इसमें सिर्फ एक ही कलर का यूज किया गया था एंड इसका जो लुक्स है, जो डिजाइन है वो थोड़ा सा मुझे प्रीमियम फील होता है अभी भी जब मैं इसको यूज करता हूँ। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो साइड का जो मॉड्यूल है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है एंड जो मॉड्यूल का डिजाइन है वो इस बार थोड़ा सा चेंज भी कर दिया गया है, तो इस वजह से उतना प्रीमियम ये फील नहीं दे रहा है एंड साथ ही जो मॉड्यूल का बिल्ड क्वालिटी है वो भी उतना स्ट्रांग नहीं है एंड यहां पर जो भी बटन्स वगैरह अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो जो टैक्टाइल फीडबैक आता है ना वो थोड़ा चीप फील होता है अगर आप Realme Buds Wireless 2 के साथ कंपेयर करेंगे। हालांकि ये जो पीछे का नेक बैंड है वो आपको काफी सॉफ्ट मिल जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी का यहां पर मिल जाएगा एंड जो वायर का यहां पर यूज करके वो भी आपको सिमिलर थिकनेस का मिल जाता है, बट इसमें हल्का सा इस पर एक पैटर्न का भी यूज किया गया एंड जो वायर का क्वालिटी है वो आपको काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड साथ ही मॉड्यूल से जो वायर का जॉइंट है यहां पर आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। ये पूरा रबर का इस बार बनाया गया, तो इस वजह से वायर जो है मॉड्यूल से निकल नहीं जाएगा एंड जो सारा बटन्स एंड पोर्ट्स है वो आपको मॉड्यूल के राइट साइड में देखने को मिलता है। यहां पर आपको 4 फिजिकल बटन दिया गया, 1 अलग से ANC का बटन दिया गया एंड पीछे के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि कवर नहीं किया हुआ है। Realme Buds Wireless 2 में भी इसको कवर नहीं किया गया था एंड लेफ्ट साइड के मॉड्यूल में आपको Realme का लोगो मिल जाता है एंड देन अगर आप ईयर प्लग को देखेंगे तो ईयर प्लग का जो डिजाइन है वो आपको एग्जैक्टली सिमिलर देखने को मिलता है अगर आप OnePlus Bullet Z2 के साथ कंपेयर करेंगे। हाँ, हल्का सा बड़ा साइज का है बिकॉज इसमें ANC का सपोर्ट मिलता है। मैंने कल रात को करीब 3-4 घंटा कंटिन्यूसली कान में लगा के रखा था, मुझे कोई भी इरिटेशन फील नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली ईयर प्लग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको कंटिन्यूसली लंबे समय तक आराम से यूज कर सकते हैं एंड साथ ही फिटिंग भी आपको बहुत तगड़ा यहां पर मिल जाता है, चाहे आप रनिंग के टाइम पे यूज करें या फिर जिम के टाइम पे यूज करें आपके कान से बिल्कुल भी ये नहीं गिरेगा एंड साथ ही जो ईयर टिप्स है वो भी OnePlus Bullet Z2 का ही यहां पर यूज किया गया जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड साथ ही इसमें IP55 का रेटिंग भी मिल जाता है, तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड साथ ही ये काफी लाइट वेट है, सिर्फ 30 ग्राम वेट के साथ ही आता है एंड Realme के हर एक नेक बैंड के जैसा इसमें भी आपको Realme Link App का सपोर्ट मिल जाता है। बट एक चीज मैंने नोटिस किया है कि इसका जो सारा बटन्स है अगर आप उसके जो फंक्शन है उसको चेंज करना चाहते हैं तो Realme Link App के अंदर से जाके चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप सिर्फ ऐप के अंदर से आके जो बटन फंक्शन है उसको रीड कर सकते हैं, तो ये एक कमी मुझे यहां पर फील हुआ है इस नेक बैंड को यूज करते हुए। तो ओवरऑल 1699 रुपीस प्राइस के हिसाब से डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छा तो मिल जाता है, बट अगर आप साइड बाई साइड Realme Buds Wireless 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको यहां पर करना पड़ता है। स्पेशली जो साइड का मॉड्यूल का डिजाइन है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया एंड आज भी Realme Buds Wireless 2 अगर आप हाथ में लेके देखेंगे तो ज्यादा प्रीमियम फील देता है एंड साथ ही इसमें एयर प्लग के पीछे के साइड में भी एक काफी अच्छा डिजाइन दिया गया था जो कि जब भी आप यूज करते थे नेकबैंड को तो काफी कूल भी लगता था। हालांकि ये अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है लास्ट 6 महीने से, तो आप इसको खरीद तो नहीं सकते, बट हाँ अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं, बट हाँ जैसे कि प्राइस काफी कम रखा गया तो उसके हिसाब से ज्यादा कंप्लेन भी हम यहां पर नहीं कर सकते। तो अभी हम यहां पर आ चुके हैं रोड साइड में, अगर पास से कोई गाड़ी गुजर के जाता है तो काफी शोर होता है एंड ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे के माइक से, तो कितना आवाज आपको मिल रहा है वो आप यहां पर समझ सकते हैं। अभी हम इस नेक बैंड में सुन करके देखेंगे कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है एंड कितना अच्छा आपको कॉल क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्विच करके देखते हैं। और अभी हमने स्विच कर लिया है Realme के नेक बैंड में एंड जो कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने मेरे दूसरे नंबर पर कॉल कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो माइक का क्वालिटी है वो आपको कैसा देखने को मिल जाता है। सिमिलर एक ट्रैक्टर पास से गुजर के जा रहा है तो उसका नॉइज आपको कितना मिल रहा है इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा है, वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड साथ ही
वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको इस नेक बैंड के अंदर देखने को मिलता है। मैं आउटडोर में जाके ही हमेशा टेस्टिंग करता हूँ ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि नॉइस कैंसलेशन कैसा देखने को मिलता है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ लंबे समय तक पूरा रात भर बात करना चाहते हैं तो आप आराम से बात कर सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे आवाज में भी अगर आप बात करते हैं तो भी काफी क्लियर उल्टा साइड में पहुंच जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। तो डेफिनेटली कॉल क्वालिटी तो आपको बहुत अच्छा मिले जाता है। साथ में अगर आप बैटरी बैकअप को देखेंगे तो बैटरी बैकअप में आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर आप रियलमी बर्ड्स वेलेस 2 के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें कंपनी की तरफ से 22 घंटे का क्लेम तो किया गया था, बट अगर आप ANC के साथ सुनते हैं या फिर एल डेक मोड को ऑन करके सुनते हैं तो बहुत कम बैटरी बैकअप देखने को मिलता था, 12-13 घंटे के आसपास। बट इसमें आपको 40 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। कल रात में मैंने इसको 50% वॉल्यूम में विथ ANC के साथ म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था एंड 7 घंटा कंटिन्यूअसली चलने के बाद मुझे 30% बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। तो आराम से आपको 22-23 घंटा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा विद ANC। एंड अगर आप ANC मोड को ऑफ करके यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको अराउंड 35 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ह्यूज इंप्रूवमेंट है अगर आप इस Realme Buds Wireless 2 के साथ कंपेयर करेंगे। एंड साथ ही इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो 25 घंटा तक आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन एक ह्यूज नंबर है। एंड इसको 0 to 100% चार्ज होने में करीब 50 मिनट्स का टाइम यहाँ पर लगता है। एंड अगर बात करूँ उसके कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है एंड इसमें आपको एक्चुअली डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि जब मैं वीडियो प्ले करके देख रहा था दोनों मोबाइल से साइड बाई साइड, तो दूसरे बहुत सारे नेक बैंड या फिर TWS में क्या होता है कि अगर आप एक में ऑलरेडी गाना सुन रहे हैं तो जैसे आप दूसरे में प्ले करते हैं तो पहला वाला ऑफ हो जाता है एंड दूसरा वाला प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें दोनों ही एक साथ में प्ले हो रहा था एंड जब हम किसी एक को ऑफ कर रहे थे तो दूसरे में साउंड सुनाई दे रहा था। बट हाँ, डेफिनेटली डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है, तो अगर आप एक साथ में दो डिवाइस के साथ यूज करना चाहते हैं, वो चाहे आपके लैपटॉप एंड मोबाइल के साथ हो या फिर दो मोबाइल अगर आप यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि इसका जो Realme Link ऐप है उसके अंदर से आके आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन का जो ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे आप दोनों ईयर प्लग को अलग करते हैं आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड जैसे आप फिर से एक साथ में रख देते हैं तो आपके मोबाइल से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड ये जो कनेक्टिविटी टाइम है वो आपको काफी फास्ट मिल जाता है, आप वीडियो में एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। एंड जैसे कि हमने पहले कहा कि इसमें आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐप के अंदर से जाके आप जो नॉइस कैंसलेशन है या फिर जो EQ मोड है उसको आप चेंज कर सकते हैं, खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर जो स्पेशल 360 डिग्री ऑडियो है उसको भी आप वहां से जाके ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो ऐप के अंदर आपको बहुत सारा फंक्शन देखने को मिल जाता है जो कि इस नेक बैंड को एक यूनिक बनाता है अंडर 2000 के कैटेगरी में। दोस्तों, स्नेक बैंड का एक सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको 30 dB तक का ANC का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। सपोज अगर आपके सामने कोई भी बात कर रहा है तो नॉर्मली ह्यूमन वॉइस जो है वो करीब 60 dB का नॉइस क्रिएट करता है एंड ये 30 dB तक को कैंसिल कर सकता है, यानी कि जैसे आप स्नेक बैंड के एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड को ऑन करेंगे तो उनका जो वॉइस है वो करीब 50% ये काट आउट कर देगा। एंड इसका एक और फायदा होता है कि बाहर का आवाज आपको अगर ज्यादा नहीं मिल रहा है तो आप कम साउंड में भी आप गाना सुन सकते हैं, आपको साउंड को हाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड जितना आप हाई साउंड में सुनते हैं उतना ही आपके एयर के लिए खराब होता है, तो उस मामले में भी ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड फायदेमंद होता है। हालांकि अगर आप इस Realme Buds Wireless 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें 25 dB तक का सपोर्ट था एंड इसमें 30 dB का सपोर्ट दिया गया, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस तो नहीं है, बट जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो हल्का सा डिफरेंस मैंने फील किया है। ये डेफिनेटली ज्यादा नॉइस को कैंसिल कर रहा है। सपोज अगर आपके रूम में फैन चल रहा है तो जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो फैन का जो नॉइस है वो बहुत ही कम हल्का सा सुनाई देता है। एंड ANC है तो ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। जब नॉर्मली हम नेक बैंड को कान में लगा के यूज करते हैं या फिर कोई भी ईयरफोन लगाते हैं तो बाहर का जो नॉइस है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हमें सुनाई देता है, बट ट्रांसपेरेंसी मोड की वजह से बाहर का जो नॉइस है वो आपको एज यूजुअल सुनाई देता है अगर आपके कान में ईयरफोन लगा हुआ है। तो अगर आप किसी के साथ बात करें तो आपको ईयरफोन कान से निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट एक फीचर जो कि मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगता था इस Realme Buds Wireless 2 का, वो है ऑटो कॉल आंसर। इस फीचर्स की वजह से अगर आपके मोबाइल पे कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है तो जैसे आप दोनों ईयर प्लग को अलग करते हैं तो आपके मोबाइल से कनेक्ट होने के साथ साथ जो कॉल है वो भी ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है, आपको मैनुअली प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बट इस Realme Buds Wireless 3 में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मैनुअली कॉल को रिसीव करना पड़ेगा। तो ये भी एक कमी मुझे देखने को मिला है इस Realme Buds Wireless 3 में। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस Realme Buds Wireless 3 के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस आपको कैसा मिलता है वो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूं।
यहाँ से भी बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो लाउडनेस है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। जब भी मैं इस Realme Buds Wireless 2 को यूज करता हूँ तो मुझे करीब 60-70% वॉल्यूम में सुनना पड़ता है, बट इसमें 50% साउंड ही भाई काफी लाउड लग रहा है इंडोर कंडीशन में। तो डेफिनेटली लाउडनेस आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही अगर बात करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में तो इसमें आपको 13.6 mm का डायनामिक बेस ड्राइवर का यूज किया गया है। तो अगर बात करूँ यहाँ पर साउंड क्वालिटी के बारे में तो इस नेकबैंड के अंदर आपको काफ़ी सारा अलग अलग ऑप्शन दिया गया है अगर आप इसके Realme लिंक ऐप के अंदर से जाके देखेंगे। बट उससे पहले अगर नॉर्मली साउंड के बारे में बात करो तो भाई साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। जो बेस है वो आपको काफ़ी पंची देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो ट्रबल है जो वोकल्स है वो भी आपको शार्प एंड क्लियर सुनने को मिलता है। एंड जो Realme लिंक ऐप है उसके अंदर आपको जो चार अलग अलग इक्वलाइजर मोड मिल जाता है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है। जो Realme Buds Wireless 2 था इसमें जो बेस बूस्टेड वाला मोड था एक Realme लिंक ऐप के अंदर वो एकदम भी अच्छा नहीं था, वोकल्स काफ़ी डाउन हो जाता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। सारा जो प्रीसेट इक्वलाइजर है उसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर आप ज्यादा वोकल्स के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, क्लासिकल टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो सेरेनेडे मोड बहुत अच्छा है। साथ ही आपको ओरिजिनल मोड मिलता है जहां पर काफी बैलेंस साउंड मिलता है। एंड इसके अलावा अगर आप बेस पसंद करते हैं तो प्योर बेस के साथ साथ डीप बेस भी आपको यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा खुद के हिसाब से इक्वलाइजर भी ऐप के अंदर जाके सेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी आपको यहां पर काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको स्पेशल 360° साउंड का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि ऐप के अंदर से जाके आप इनेबल कर सकते हैं। बट जब मैं इस मोड को ऑन कर रहा था तो जो साउंड है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जा रहा था, थोड़ा बूस्टेड साउंड मिल रहा था। एंड जो ट्रबल है वो थोड़ा और बूस्टेड मिल रहा था, बट 360° साउंड जैसा कुछ खास एक्सपीरियंस मुझे देखने को नहीं मिला। जो कि इससे पहले हमने बोट निर्वाणा 5-5 ANC का रिव्यू किया था उसमें ये जो डिफरेंस है वो डॉल्बी ऑडियो के वजह से क्लियरली पता चलता है, बट इसमें वो थिएटर लाइक एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मुझे नहीं मिला। जैसे कि मैंने कहा कि लग रहा था कि जो साउंड अगर आप 50% में सुन रहे हैं तो अचानक से वो 70% साउंड कर दिया गया। बट जैसे कि मैंने कहा कि जो साउंड क्वालिटी इस नेकबैंड का वो बहुत तगड़ा है, तो 360° साउंड काम करे या फिर ना करे उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बहुत कमाल के साउंड क्वालिटी के साथ ये नेकबैंड आता है। हाँ, इसमें आपको LDAC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि इससे पहले हमें Realme Buds Wireless 2 में देखने को मिला था, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा सुपीरियर था, बहुत हाई क्वालिटी कोडेक है। एंड इसके वजह से ये बहुत ज्यादा बैलेंस साउंड क्रिएट करता था। तो यहां पर एक चीज मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी Realme Buds Wireless 2 है एंड वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है, अच्छे कंडीशन पर है, तो बिल्कुल भी आपको स्विच करने का जरूरत नहीं है। इस Realme Buds Wireless 3 में बहुत अच्छा नेकबैंड आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप आज के रेट पे 2000 रुपए के अंदर साउंड क्वालिटी के लिए एक बेस्ट नेकबैंड परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस नेकबैंड के साथ जा सकते हैं। एंड साउंड क्वालिटी बहुत अच्छे होने के साथ साथ आपको जो अलग अलग इक्वलाइजर मोड मिलता है उसके वजह से चाहे आप क्लासिकल टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं या फिर रोमांटिक या फिर सैड टाइप का या फिर बेस हिप हॉप टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो सभी टाइप का जो यूजर है इस नेकबैंड के साथ अपने मोड को चेंज करके वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप चाहे किसी भी जनर का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो ये चीज आपको इस नेकबैंड में बहुत कमाल का मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। 3 अलग अलग कलर वेरिएंट में ये नेकबैंड अवेलेबल है। सभी कलर का बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर के साथ आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। इस नेकबैंड में आपको सिर्फ 45 ms लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है जो कि Realme के किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट में सबसे कम है। एंड भाई जो एक्सपीरियंस है वो मुझे कमाल का लगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर लेटेंसी मिलता है भाई, फील ही नहीं हो रहा है। जैसे आप ट्रिगर कर रहे हैं साउंड जो है वो इमीडिएटली आपको सुनाई देता है। तो डेफिनेटली कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है अगर आप गेमिंग के लिए स्पेशली परचेस करना चाहते हैं एंड बहुत दिन से वेट कर रहे थे किसी भी नेकबैंड के लिए। इस Realme Buds Wireless 2 में 88 ms का लो लेटेंसी मोड था, तो अगर आप गेमिंग के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि इस नेकबैंड के साथ आप जा सकते हैं Realme Buds Wireless 3 के साथ। एंड जो स्टूडियो साउंड है वो भी काफी अच्छा मिलता है, तो अगर आप BGMI जैसा गेम खेलना पसंद करते हैं तो फुटस्टेप्स वगैरह भी आपको काफी अच्छे से पता चल सकता है इस नेकबैंड के साथ। तो डेफिनेटली गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत कमाल का मिलने वाला है इस नेकबैंड के साथ। तो गाइस, अगर फाइनली बात करूं Realme Buds Wireless 3 आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, एंड क्या ये एक रियल अपग्रेड है इस Realme Buds Wireless 2 का, तो देखिए कुछ कुछ जगह पे तो डेफिनेटली आपको अपग्रेड देखने को मिलता है, बट कुछ कुछ जगह पे आपको डाउनग्रेड भी देखने को मिलेगा।
तो हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियरली कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी Realme Buds OLS 2 है तो आपको इस Realme Buds OLS 3 में अपग्रेड करने का जरूरत नहीं है। गेमिंग एंड बैटरी बैकअप के अलावा आपको बहुत ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एंड कुछ कुछ जगह पर यह आज भी सुपीरियर है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको अपग्रेड करने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक नया नेकबैंड परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं अंडर 2000 रुपीस में, तो ये जो नेकबैंड है वो आज के दिन पे दी बेस्ट नेकबैंड है जितना भी मार्केट में अवेलेबल है। बिकॉज ये एक ऐसा नेकबैंड है जहां पर एक कंप्लीट सा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड एक ऑलराउंडर एक्सपीरियंस है, जहां पर गेमिंग के साथ साथ बैटरी बैकअप, कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आपको बहुत कमाल का देखने को मिल जाता है। साथ ही ANC का फीचर्स आपको मिलता है जो कि आपको बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस देने वाला है। एंड इसका जो लॉन्च प्राइस रखा गया है सिर्फ 1699, उसके हिसाब से तो भाई एक लूट वाला डील बन जाता है। इवन अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ के 2000 रुपए तक भी चला जाता है तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस नेकबैंड को परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ साथ रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो सभी वेबसाइट का बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो तो यहीं पे खत्म हो जाता है, बट इस OnePlus Bullet Z2 के साथ कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। एंड साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।